कविता छठी। हम उस धरती की संतति है। पूरक पठन उमाकांत मालवीय। परिचय जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र। मृत्यु 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। परिचय भावों की तीव्रता और जन सरकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी। प्रमुख कृतियां मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्तपलाश की, कविता संग्रह आदि। पद्य संबंधी कव्वाली। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। ये तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यह स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। यह गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। ये वो मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। भावार्थ भारत वीरों की भूमि है, त्याग व बलिदान की भूमि है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़े जोश एवं आवेश के साथ भारत माता के ये प्यारे सपूत लड़कियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हम उस धरती के पुत्र हैं जिसका वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। ये धरती बहुत महान है। इस धरती की मिट्टी में ध्रुव जैसे कई तपस्वी पुत्र खेले थे। ये मिट्टी हुए प्रहलाद जहां जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहां भरत दतुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। लगन मतलब एकाग्रता, दतुली मतलब दांत। भारत की इस पवित्र मिट्टी से भक्त प्रहलाद जैसे सच्चे बच्चों ने जन्म लिया। भरत बचपन से ही इतने बहादुर एवं साहसी थे कि वे शेरों के साथ युद्ध करके उन्हें हराते थे और उनके जबड़ों को फैलाकर उनके दांत गिनने से भी नहीं डरते थे। चित्तौड़ की रक्षा करने हेतु अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ने वाले सर्वश्रेष्ठ योद्धा जयमल ने अकबर की सेना का संहार किया था। ऐसे वीर बच्चों ने भारत की धरती पर जन्म लिया था। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अज चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। भावार्थ लड़कों का समूह अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहता है कि हे लड़कियों, हम तुम सबसे महान हैं, हम लड़कों के आगे तुम लोग चुप रहिए, अजी लड़कियों चुप रहिए, हम इस धरती के वीर एवं बहादुर बच्चे हैं। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए। शऊर मतलब अच्छे तरह काम करने की योग्यता या ढंग बुद्धि। शेखी बगारना मतलब स्वयं अपनी प्रशंसा करना। भावार्थ भारत वीरांगनाओं की भूमि है,
इस बात को सिर्फ ध्यान में रखते हुए बड़े जोश एवं आवेश के साथ भारत माता की ये लाडली कन्याएं लड़कों को संबोधित करते हुए कहती हैं, आप सिर्फ बातें करने में माहिर हो, आप लोगों के पास बातें करने का कोई ढंग भी नहीं है। अब आप अपनी शेखी मत बघारिए, चुप हो जाइए। अब हमारे बारे में सुनिए, हम उस धरती की कन्याएं हैं, जिसके बारे में क्या कहना। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मी बाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जोहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर्डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। जौहर मतलब राजस्थान में प्राचीन समय में प्रचलित प्रथा, इसमें स्त्रियां विदेशी आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर प्राणों की आहुति दे देती थी। डिंगे मारना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। भावा, भारत की इस मिट्टी में रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया था, जिसने अपने झांसी की रक्षा करने हेतु स्वयं को कुर्बान कर दिया था। इस मिट्टी में रजिया सुल्ताना एवं महारानी दुर्गावती ने भी जन्म लिया था। इन रानियों ने रणभूमि में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस मिट्टी में रानी चांद बीबी ने जन्म लिया था, जिनकी वीरता को कोई कैसे भूल सकता है। दुश्मन से स्वयं की प्रतिष्ठा एवं मान मर्यादा की लाज रखने हेतु रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, उनके इस त्याग को कोई भला कैसे भूल सकता है। इस भारत की भूमि पर देवी सीता व सावित्री जैसी पतिव्रताओं ने भी जन्म लिया था। अगर आप लोग बड़ी बड़ी बातें करने से बाज नहीं आओगे तो हम भी मजबूरन आप सभी पर ताना कसने से पीछे नहीं हटेंगी। आखिर हम भी इसी धरती की ही लड़कियां हैं। यो आप कफा क्यों होती है टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है ध्रुवया रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अज दो पहिए हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं। खफा मतलब अप्रसन्न, नाराज, रुष्ट, कृत, टंटा मतलब व्यर्थ का झंझट, खटराग, उपद्रव, उत्पात, झगड़ा, लड़ाई। भावार्थ, लड़के व लड़कियां आपस में समझ जाते हैं कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, आखिर हम सब इस धरती की संतति हैं। इसलिए वे दोनों मिलकर कहते हैं, हम सभी के लिए नाराज होने जैसी कोई भी बात नहीं है, हम आपस में झगड़ा क्यों करें, हम में से कौन महान है इसमें कुछ भी नहीं रखा है, आपस में झगड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ हम बातों को उलझा देंगे, बस एक ही बात महत्वपूर्ण है, ध्रुव हो या रजिया सुल्ताना एक ही भारत माता के बच्चे हैं, हम सब एक ही भारत माता रूपी रथ के दो पहिए हैं, आखिर हम सब उसी पवित्र महान एवं उदात धरती की संतति हैं। हम उस धरती की संतति हैं, हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, ये
वो मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे, यह मिट्टी हुए प्रह्लाद जहाँ जो अपने लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। बातों का जनाब शौर नहीं शेखे न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जोहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गरडिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूर न ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। यो आप खफा क्यों होती है टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं।